क्या आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, क्राउन चक्र इट मींस कि क्या आपका सहस्त्र चक्र एक्टिवेट है या नहीं है, और अगर एक्टिवेट है तो क्या आपने उन सभी शक्तियों को, उन सभी पावर्स को खुद से फील किया है। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, जो हमें कमेंट करके पूछे जाते हैं कि मैडम हमने कुंडलानी मेडिटेशन किया है, हमने सुदर्शन क्रिया किया है, लेकिन फिर भी हमें क्राउन चक्र पे ना कुछ भी वाइब्रेशन, कुछ भी सेंसेशन नहीं हुई है, या फिर जो उसके साइन होते हैं एक्टिवेशन के वो हमारे साथ अभी तक हमें नहीं दिखाई दिए हैं। बाकी और भी जो चक्रास पे स्टार्टिंग से लेके जो भी चक्रास हैं, हमारे 7 चक्रास हैं, उन सभी पे मेरी वीडियोज़ प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं कि क्योंकि हमें किसी भी चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, किसी भी चक्र को समझने के लिए उसके रूट से जाना पड़ता है, यानी कि जो शुरुआत है हमें नीचे से करनी है। अपने सभी चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने मूलाधार से शुरुआत करनी है, यानी कि हमें अपने रूट चक्र से शुरुआत करनी है, तभी हम आगे के सभी चक्रों को समझ पाएंगे। बात करते हैं कि ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो क्राउन चक्रा है वो डिसबैलेंस है। क्राउन चक्रा नाम में ही बहुत वजन है, बहुत भारीपन है, तो आप सोच सकते हैं कि क्राउन चक्रा कितना शक्तिशाली माना जाता है। बहुत शक्तिशाली माना जाता है। क्यों माना जाता है शक्तिशाली? आज्ञा चक्र को भी काफ़ी शक्तिशाली मानते हैं। अगर जिसका थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो उन लोगों के आसानी से क्राउन चक्र पे पहुंचने के रास्ते खुल जाते हैं। बट क्राउन चक्र को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? क्योंकि क्राउन चक्र हमारे लॉर्ड शिवा से रिलेटेड होता है। हमारे क्राउन पर हमारे जो भगवान शिव होते हैं उनका वास होता है, ये उनका स्थान है। तो जब भी कभी कोई मुझसे ऐसे ही जनरल वे में क्वेश्चन करता था कि क्या आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है मैडम, क्या आपने कुंडलानी जो शक्तियाँ हैं उनको खुद से फील किया, तो मैं सिर्फ यही बात कहती थी बहुत ही साधारण से शब्दों में कि भले ही मेरे कोई भी चक्रा किसी भी लेवल पर एक्टिवेट हैं, लेकिन किस तरीके से हम उनको काम करते हैं, उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं, फिर उनको हम प्रैक्टिकली कैसे अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि हमें शक्तियों के बारे में जानने के लिए भागा दौड़ी करनी पड़े। पहले आपको अपने जो रूट कॉज है ना उनको ख़त्म करना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए, फिर आपको क्राउन चक्र के ऊपर जाना चाहिए। मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो उसके क्या साइन होते हैं। जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो उसके साइन होते हैं कि आपका ना स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग बिलीव हो जाता है। अचानक से आपका मन सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के ऊपर लगने लग जाता है, आपको कोई और काम अच्छा नहीं लगता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ना क्राउन चक्र और हमारा थर्ड आई का कनेक्शन बिल्कुल सिमिलर है। कुछ हद तक जो उनके सिम्टम्स होते हैं, जो उनके साइन होते हैं, वो बिल्कुल मैच करते हैं एक दूसरे से, कुछ थोड़े बहुत इसमें नहीं मैच करते हैं। बट जब एक्टिवेशन के मोड पे हमारा क्राउन चक्र होता है, क्योंकि बेसिकली जो लोग थर्ड आई चक्र पे मेडिटेशन करते हैं, फोकस करते हैं, तो उनका आसानी से क्राउन चक्र के ऊपर पहुँचने का जो एक रास्ता होता है वो ऑलमोस्ट खुल जाता है। यानी कि वो उस लेवल तक भी चीज़ों को एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, हमारी साइकिक लेवल यानी कि इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चीज़ों को समझने की हमारे अंदर एक समझता, एक सहजता, यानी कि कहते हैं ना एक ऐसी बारीकी से नॉलेज आ जाती है। इंट्यूशन इट मींस कि जो भी होने वाला होता है, कोई भी इंसिडेंट, उसकी समझ, उसके एक इंसाइट आपके अंदर अपने आप ही आ जाती है। तो क्राउन चक्र जिन लोगों का एक्टिवेशन के मोड पे होता है या फिर एक्टिवेट होता है, उन लोगों का स्पिरिचुअलिटी पर बहुत स्ट्रांग फेथ होता है, और उन लोगों की साइकिक लेवल भी बहुत स्ट्रांग होती है, उन लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, उन लोगों को सोचने समझने की जो उनकी एक सहजता होती है, जो ये कहते हैं ना कि माइंड से ये लोग बहुत बैलेंस में रहकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में ही कुछ बातें कर लिया कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो तो वो कर सकता हूँ, नहीं, ये लोग जो बोलते हैं उस काम को ये लोग करके रखते हैं। इन लोगों के अंदर इतना स्ट्रांग डेडिकेशन होता है, जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं उस काम को जब तक वो करते नहीं है तब तक उस काम को छोड़ते नहीं है। ये इनके एक साइन है, एक सिम्टम्स हैं जिन लोगों का क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। इन लोगों को ना अपने आप से नहीं, अपने
जो इनके आसपास के सर्कल में जो इनके रिलेटिव्स होते हैं उनसे इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। परिवार में, परिवार के लिए जो भी काम करना होता है उसको तत्पर रहते हैं करने के लिए। कुछ लोगों का देखो जो थर्ड आई से रिलेटेड होते हैं वो अपने ऊपर ज़्यादा सोचते हैं, ये लोग ना जो इनसे जुड़े रिश्ते हैं उनके लिए भी सोचते हैं, अपने लिए तो सोचते सोचते हैं, जो इनसे जुड़े हुए रिलेशंस होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। इस लेवल तक सोचते हैं कि इनको इतना हेडेक रहता है कि वो हेडेक माइग्रेन में भी कन्वर्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता इनको। और ये बात है कि क्यों इतना पावरफुल माना जाता है, क्योंकि जो हमारा क्राउन पार्ट होता है ये यहाँ पे कम से कम 1000 कमल की पंखुड़ियाँ हमारे वो सर के यहाँ पे, एक इमेजिन करके मैं आपको बता रही हूँ कि 1000 कमल की पंखुड़ियों के ऊपर जो हमारा क्राउन चक्र है वो यहाँ पर उसमें इसका स्थान माना जाता है। अब इसका साइन क्या होता है, इसका साइन ओम होता है। हमारे क्राउन चक्र का जो साइन माना जाता है, जो सिंबल माना जाता है वो ओम से रिलेटेड होता है, इसका जो मंत्र है वो भी ओम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। अब ऐसे कौन से साइन होते हैं कि जिससे हमें पता चले कि हमारा क्राउन चक्र डिसबैलेंस है, अपनी पोजीशन पे नहीं है या फिर अपनी पोजीशन से इधर उधर भागा हुआ है, उसको डिसबैलेंस कहेंगे। नंबर वन, आप बहुत ही ज़्यादा डरे डरे से रहेंगे, आप अपने आप कोई भी डिसीज़न, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो वो भी काम आप नहीं कर पाएंगे, डिपेंडेंसी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। तीसरा, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़ीरो होगी, क्योंकि आपको कुछ भी समझने की तो छोड़िए, आप जो चीज़ें समझ सकते हैं आसानी से वो भी आपका लेवल ज़ीरो हो जाएगा। जिन लोगों का क्राउन चक्र डिसबैलेंस होता है उन लोगों के अंदर सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, और उन लोगों के अंदर इंसोम्निया के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। इंसोम्निया इट मीन्स कि नींद आना तो ज़्यादा आना, यानी कि एक्सेस में आना, और अगर नींद नहीं आना तो बिल्कुल नहीं आना, मतलब कि नींद आएगी तो काफ़ी ज़्यादा सोते रहेंगे और अगर नहीं आएगी तो सोएंगे ही नहीं, इन लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तो उनको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जाती है जिन लोगों का क्राउन चक्र डिसबैलेंस होता है। तीसरा, इनको कंस्टेंट हेडेक रहेगा, इतना सरदर्द रहेगा कि इनको माइग्रेन का भी एक साइन माना जाता है कि इनको माइग्रेन भी ज़्यादा रहता है। तीसरा, जैसे स्टार्टिंग से मैं बताती हुई आ रही हूँ सारे सिम्टम्स कि एक तो नींद से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहेगी, दूसरा इनके साथ क्या होगा ना कि इतना पजलिंग रहेंगे, इनके साथ मूड स्विंग्स बहुत देखा जाएगा। अभी इस समय ये होंगे तो उस समय कुछ और होंगे, अभी कुछ और बात कर रहे होंगे तो दूसरे दिनों में कुछ और सिम्टम्स इनके अंदर देखे जाएंगे। तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इन लोगों के अंदर ज़्यादा देखी जाती है जिनका क्राउन चक्र डिसबैलेंस होता है। कल को ये सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, दूसरे पल में बोल देंगे कि मैंने तो ऐसे कुछ बोला ही नहीं था। तो ऐसे लोगों के पता है क्या होता है, फिर इन लोगों का ना लोगों से कटाव होने लग जाता है। क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि यार ये तो फेंकता ही रहता है, जब देखो कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, तो लोगों से ना कटने लग जाता है इस टाइप का पर्सनालिटी वाला जिसका क्राउन चक्र डिसबैलेंस होता है। दूसरा, जैसे मैं एक बात और यहाँ पे ये भी कहूँगी कि जैसे मैंने सिम्टम्स बता दिए, साइन बता दिए, अब मैं जितना हो सकता है आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि भले ही साइन और सिम्टम्स वरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन सबके साइन और सिम्टम्स वरी करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो होपफुली आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कितना पावरफुल इसको माना जाता है क्राउन चक्र को हमारे ओवरऑल बॉडी के फंक्शन में काम करने के लिए, क्योंकि जब तक आप यहाँ तक पहुँचेंगे ना तब तक आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अपने हर काम को करने के लिए सक्षम होंगे। अब दूसरा बात करते हैं कि कैसे क्राउन चक्र को जागृत करें, कैसे क्राउन चक्र को एक्टिवेट करें। सबसे पहले बात तो क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको लॉर्ड शिवा का इमेजिन करना है, आपको ये फील करना है कि लॉर्ड शिवा के ऊपर हम ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, और आपको सीधा अपना इमेजिन करते हुए जो हमारे क्राउन चक्र का कलर होता है, क्राउन चक्र का कलर वैसे तो वॉयलेट माना जाता है, बट इन केस अगर वॉयलेट आपको नहीं दिख रहा है तो आप वाइट को भी एज्यूम कर सकते हैं। मैंने क्राउन चक्र की वीडियो बनाने के लिए ही वाइट और आप देख सकते हैं पर्पल का कॉम्बिनेशन पहना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी चक्र को फोकस करते हैं, किसी भी चक्र के ऊपर काम करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, आपको उस कलर के कपड़े पहनने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपके चक्र के साथ होती है।
तो जब भी आप क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन करेंगे, आपको सबसे पहले कलर को एज्यूम करना है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि क्राउन चक्र का जो भी मैंने कलर बताया है वॉयलेट और वाइट होता है, बट डिपेंड करता है, क्योंकि क्राउन चक्र इट मीन्स कि जो भी हमारे बॉडी के सारे चक्राज हैं वो यहाँ पर आके मिक्स हो जाते हैं, तो सारे कलर्स यहाँ पर आके इधर आके मिक्स हो जाते हैं, तो मल्टी कलर आप देख सकते हैं। 7 रंगों का सुंदर मिश्रण हमारा यहाँ पे क्राउन चक्रा पे फिक्स हो जाता है। तो आप किसी भी कलर के, किसी भी चक्रा के रंग को आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। आपको लगेगा, दिखाई देगा, फील होगा, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे क्राउन चक्र के ऊपर, तो आपको लगेगा कि एक ऑरा आपके अंदर आ रहा है, एक ऐसी लाइट आ रही है जो इतनी ज़्यादा आकर्षक होगी कि आपकी आँखें एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाएंगी। इतना आपको अच्छा और सुंदर आभास होगा कि आपको लगेगा कि एक लाइट फीलिंग आपके अंदर आएगी। अब बात हो गई कि जब डिसबैलेंस होता है कैसे होता है, जब डिसबैलेंस नहीं होता है तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि जब क्राउन चक्र हमारा ओवर एक्टिव होता है, क्योंकि हर चीज़ के ना कुछ ऐसे साइन भी होते हैं कि कभी कभी ना चक्र हमारा ओवर एक्टिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा काम करने लग जाता है। वो तो एक साइन मैंने आपको बता दिया कि टॉकेटिव ज़्यादा होता है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा बोलेगा, एक्सेस में बोलेगा, इतना बोलेगा कि लोग उससे कटने लग जाएंगे, हवा में बातें छोड़ेगा कि यार, जब पुराने टाइम पे लोग सीधा जो ऋषि मुनि होते थे, जो संत होते थे, वो हिमालय पे जाके तपस्या करते थे, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। अरे भैया, पहले आप घर से तो शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि सिंपल आप मेडिटेशन तो करिए, तब आप जाके हिमालय पर पहुंचना, ना वो समय अब आ सकता है, ना ही हम इस कलयुग में उस समय के बारे की जो भी चीज़ें हैं जो पहले के तप करते थे, जो पहले के ऋषि मुनि करते थे, वो हम यहाँ पे आप अचीव नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक यही है कि पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, घर पे तो 10 मिनट दीजिए अपने आप को, फिर आप हिमालय पर पहुँचिए। तो ऐसे लोग ना बहुत बड़ा बड़ा फेंकने लग जाते हैं, तो इससे आप समझ जाइए कि इनका क्राउन चक्रा बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव है। इतना ओवर एक्टिव है कि या तो ये कुछ करेंगे तो करके डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो ये ज़ीरो पे ही रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका ओवर एक्टिव का साइन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताए हैं साइंस सिम्टम्स और एक्टिवेशन के, जो भी रिलेटेड जो भी लाइटिंग मैंने आपको छोटे थोड़े इसके बारे में बताई, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्राउन चक्र के ऊपर काम कीजिए, क्राउन से रिलेटेड रंग क्यों पहनिए, ओम का उच्चारण कीजिए, लॉर्ड शिवा को इमेजिन कीजिए। और भी अगर क्राउन चक्र से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का मुझे बहुत ही सपोर्ट, बहुत ही हद तक जो कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वो मुझे दिख रहा है। तो मैं पूरी कोशिश रहती है कि बहुत ही होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो चक्रास के ऊपर काफ़ी बारीकी से मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड की हैं, आप हर एक चक्रा के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी आपके डाउट्स हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अंत तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ती हूँ और भी मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच।